आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थ्री इक्वल चार्जेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ टू माइक्रो कूलम, 2×10⁻⁶, माइनस सिक्स मतलब होता है माइक्रो. ठीक है, और आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो राइट एंगल ट्रायंगल एक है जिसका कि तीनों के तीनों साइड है 3, 4 and 5 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है. ठीक है, करेगी फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर. ठीक है, तो पहले एक ड्रॉ कर ले राइट एंगल ट्रायंगल. क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स हैं 3, 4 और ये 5. ये राइट एंगल ट्रायंगल आप कई बार बना चुके होंगे अब तक में. ठीक है, चलिए ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा. ओके, आपको ऐसा यूनिट चाहिए क्योंकि के का वैल्यू 9×10⁹ लिया करते हैं हम लोग ऐसा यूनिट में. थ्री इक्वल चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज हैं, तीनों इक्वल हैं. मान लीजिए तीनों का मैग्नीट्यूड क्यू और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2×10⁻⁶ कूलम्ब ये दिया हुआ है. कह रहा है कि ये रखा हुआ है वर्टिसेस पे. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है Q1, ये हो गया Q2 और यहाँ हो गया Q3, सब के सब क्यू ही हैं तो कोई टेंशन नहीं. ठीक है, कह रहा है कि राइट एंगल जो है वहाँ पे राइट एंगल कॉर्नर पे जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, इस पे फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, बाकी के दो चार्ज एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ये Q3 चार्ज Q1 पे फोर्स एग्जर्ट करेगा डाउनवर्ड. ठीक है, इसको अगर वाई एक्सिस मान लें तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, इसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन बॉडी चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3. तो इस तरह से वेक्टर लिखा करते हैं F1 3. ठीक है, और फिर दूसरा चार्ज Q2 है जो इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ये इस तरफ हॉरिजॉन्टली. ठीक है, अगर इसे एक्स एक्सिस कहेंगे तो कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स ऑन चार्ज 41 ड्यू टू 2. तो ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, समझ गए. अब कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, ये दो फोर्स है. ओके, और फोर्स डायरेक्शन था, वेक्टर होता है पता है आपको, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. ये फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इस दोनों का सम जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर जिधर भी होगा उधर होगा नेट फोर्स, मान लीजिए F1. ठीक है, वेक्टर सम करके निकालेंगे, देखते हैं कितना कितना होगा. तो पहले हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लें, F12 एंड F13. तो F12 फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2. ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 कितना होगा के दोनों का चार्ज, सारे चार्ज बराबर ही है, तो Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर कर लूँ, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किसका निकालें है 1 2, तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा मीटर नहीं है. ठीक है, तो 4/100 ये हो गया मीटर में का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया इतना न्यूटन का. डायरेक्शन किधर है, तो ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें तो हम कहें निगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरह से देते हैं साइन. ठीक है, निगेटिव आप आगे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ आई कैप दे दीजिएगा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने के लिए. ये हो गया. ठीक है, दूसरा 1 3 1 3 1 3 ये फोर्स लग रहा है, वही सेम फॉर्मूला के अगेन Q1 Q2 एक ही चार्ज है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 3 सेंटीमीटर, इस केस में हम लोग लिए हैं डायग्राम में 3 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, आ गया मीटर में स्क्वायर. ये है अलॉन्ग डाउनवर्ड एक्सिस, अगर इसको वाई मान लेते हैं तो माइनस जे हम लोग कहेंगे, ये माइनस जे में है. ठीक है, तो आप माइनस यहाँ रख लीजिए. ठीक है, तो ये हो गया जे कैप. ठीक है, तो डायरेक्शन देना जरूरी होता है क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए डायरेक्शन दिखाना पड़ता है हमें. ठीक है, चलिए अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगा वो होगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 जो कि राइट एंगल कॉर्नर पे है. ओके, तो नेट फोर्स ऑन Q1
एफ वन लिखेंगे इसे, बिकम्स इक्वल्स टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये देखिए, एफ वन टू और एफ वन थ्री ये दो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों में के हमारा कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, और नीचे में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कॉमन है। ये कॉमन वैल्यू को निकाल लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसका हम वेक्टर सम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू कितना कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो उसमें फिर बाहर निकलना ही है। ठीक है, चाहे जो भी एंगल रहे, तो बचता हमारे पास क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4/100, 3/100, तो क्यू स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू अपॉन 100, तो 1/100 इसका स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो वो ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आप इतना समझ रहे हो अब, ठीक है, 12th में है, तो 100 का स्क्वायर, और बचा क्या, किसका वेक्टर सम बचा आपके पास, तो यहाँ पे है 1/4 स्क्वायर अलॉन्ग आई कैप, 1/16 में लिख लूँ अलॉन्ग आई कैप, सॉरी निगेटिव आई कैप है, ठीक है, माइनस आई में, और ये है हमारा 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/3 3 9 अलॉन्ग निगेटिव जे कैप, तो ये दोनों के दोनों निगेटिव में है, माइनस को मैं बाहर निकाल लूँ। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे प्लस में। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आप निकाल लीजिएगा, इसलिए कॉन्स्टेंट का वैल्यू को पता है, क्यू का वैल्यू गिवन है, हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वेक्टर आई और जे है, आई और जे है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर जो ए वैल्यू रहेगा, और बी का स्क्वायर का अंडर रूट, तो चलिए इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, उसका अंडर रूट कर लेते हैं, और निकल जाएगा हमको आंसर। चलिए तो लिखा जाए, एफ वन बिकम्स इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, 9×10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना है, 2×10⁻⁶, आगे नेगेटिव है, नेगेटिव ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्यू का वैल्यू 2×10⁻⁶, 2×2 = 4 × 10⁻⁶, 2×2 = −12। ठीक है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब ऐसा ही में लिखूँगा, अपने आप कैंसिल। ठीक है, फोर्स डायरेक्ट न्यूटन लिख दिया करूँगा, और 10⁻ मतलब 100 का स्क्वायर, तो 10,000, या फिर इसको हम लिखेंगे 10⁴। ठीक है, यहाँ दो डिजिट है, स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया वैल्यू इधर का। अब इधर ये दोनों बचा, क्या आएगा इसका वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ रहा है, मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1/16 का स्क्वायर, 16×16 = 256। ठीक है, और प्लस 9×9 = 81, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट को मैं यहाँ पावर हाफ कर दूँ। ठीक है, ये आई और जे है, तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, अब ये डायरेक्शन किधर होगा वो निकालेंगे हम लोग टेंजेंट से। ठीक है, टेन थीटा से, कि किसके साथ निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के साथ में, या फिर प्लस ये माइनस जे के साथ में, तो मैग्नीट्यूड अब निकाल पाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन के लिए अलग से निकालेंगे टेन थीटा से। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ देखा जाए, तो मैं ये माइनस को हटाता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, बाद में डायरेक्शन लिख दिया करूँगा वहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, ये रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा, अब सॉल्व कीजिए इसे, एफ वन बिकम्स इक्वल्स टू ओके 9×4, ये 36 भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में दिख रहा है कुछ वैल्यू कट सकता है, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ 9×4 = 13 पावर ऐड होगा 13 और −12, तो 13 में से 12 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 1, 10⁻¹ मतलब 10। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू अंडर रूट में है, अब देखिए इस दोनों को सम अप करते हैं, ये दोनों ऊपर आके ऐड हो जाएगा, 256 और 81 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 617853 13। ठीक है, और 2×1 13 = 1 3, तो ये दोनों ऐड होकर गया 337 अपॉन, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 256×81 और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ये तो 16 का स्क्वायर था तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर था तो अंडर रूट इसका 9 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हम अगर निकालते हैं तो ये 2 का स्क्वायर रूट तो नीचे हमें दिख रहा है, मिल ही जाएगा। ठीक है, 9×4×10
इंटू 337 का अंडर रूट, ये आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं इजिली। और ऐसे अगर टेबल पता हो तो टेबल से भी निकाल सकते हैं, पता नहीं आजकल तो बच्चे पढ़ते नहीं ये टेबल, ठीक है। 1818 जहाँ अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है, 324 आएगा, ठीक है। 324 ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है, तो ये 18 पॉइंट समथिंग आ सकता है आंसर इसका, ठीक है। 18.3 या 4 आप ले लीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन में आएगा इजिली वो हम लोग ले लेंगे, 3 या 4, ठीक है। मैं अभी 3 लिख रहा हूँ, बाद में जो भी होगा लिखा जाएगा अप्रॉक्सीमेट करके, ठीक है। 256 का 16 इंटू 81 9, ओके 9 9 फिनिश, 4 4 या 16। अब ये 10 ऊपर और ये नीचे 4 है, 4 से हम डिवाइड करते हैं, जो देखो यहाँ पे हमें इवन नंबर आ रहा है, तो हम इसको 0.4 या 0.2 ले लेते हैं आज ईजिली कट होने के लिए। और ये 10 है, 10 को ये पॉइंट और ये 10 फिनिश, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दीजिए और ये 10 हटा दीजिए, ख़त्म। तो अपने पास बचता है 184 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 ज़ा 16, बचेगा 2 4 24 और 6 4 ज़ा 24। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 46 न्यूटन। वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे 18.4 लिया है, ये वैल्यू 18.4 के आसपास में आएगा, लेकिन थोड़ा उससे कम ही आएगा, तो इसके चलते आंसर जो होगा 46 के अराउंड ही आएगा, 46 से थोड़ा कम हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास तो 46 के अराउंड में जो भी वैल्यू रहेगा उसे आप टिक क्लिक कर दीजिए, ठीक है, उसको आप सही कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, देन डिवाइड करके निकालेंगे। अगर 46 46 46 दिया रहेगा सारा ऑप्शन में, 46 पॉइंट समथिंग, 45 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 45 46 47 इस रेंज में अगर दिया रहेगा तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जैक्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा दिया रहेगा तब फिर अप्रॉक्सीमेट करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, समझ गया। चलिए ये हो गया आंसर। अब एंगल, ये तो मैग्नीट्यूड निकला इस फोर्स का, हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अब एंगल क्या होगा। तो एंगल जनरली एक्स एक्सिस के साथ ही निकाला जाता है, यहाँ पे अपोजिट में है तो नेगेटिव एक्सिस के साथ में निकलेगा, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में निकलेगा, ओके, या आप वाई के साथ भी निकाल सकते हैं, जिसका भी टेंजेंट निकालना हो। अगर हम इसको थीटा लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये हो गया F13 का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा हो जाएगा बेस, बेस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द टेन थीटा, तो हम यहाँ से निकालते हैं, नीचे स्पेस नहीं यहीं पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, टेन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस मैग्नीट्यूड इज F13, द मैग्नीट्यूड ऑफ F13, ठीक है, अपॉन दिस मैग्नीट्यूड F12, ठीक है। चलिए पुट कर लें, यहाँ से थीटा निकल जाएगा हमें, थीटा बिकम्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स दिस वैल्यू। अब F13 और F12 दोनों में देखिए के रेशियो में कट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ख़त्म, ओके, Q स्क्वायर ख़त्म, ये 100 अपॉन है, ये 100 अपॉन नीचे में दोनों का स्क्वायर वो भी ख़त्म, बचता सिर्फ क्या है, यहाँ 1/4 यहाँ 1/3, तो 1/3 में 1/3 का स्क्वायर है, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 अपॉन, और ये 1/4 में 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, तो अपॉन 1/16 16 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये वैल्यू आ गया अपने पास 16/9, तो थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 10 inverse 16/9, ये आ जाएगा एंगल जो अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री के अराउंड में आएगा आपको, ठीक है। ये वैल्यू 16/9 जो टेंजेंट का वैल्यू होता है वो लगभग लगभग वही होता है 60, ओके, और इधर से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/16, ठीक है। ये हो गया किसके साथ में, विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस साथ लेते तो ये एंगल अराउंड 30 डिग्री आता, ठीक है, 10 inverse 9/16, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।